सीमा। सीमा क्या? मेरा नाम है सीमा। सीमा क्या? कुछ आगे भी होगा, कोई जात पात, कोई हसब नसब, कोई खानदान? पूछना क्या चाह रही हैं आप मुझसे, ये बताएं पहले। अरे आप बैठिए तो सही, आप मैं बात करती हूँ। बस क्या बात करूंगी मैं इनसे, ये तो मेरा हसब नसब लेकर बैठ गई हैं। ये होती कौन है मुझे ये कहने वाली? होंगे कोई बड़ी माँ बेगम, लेकिन मैं भी कोई राह चलती औरत नहीं हूँ, लड़के की माँ हूँ, लड़के की। देखिए, घर आए मेहमान की इज्जत करना हमारे खानदान की रिवायत है। अगर मेहमान इज्जत के दायरे में रहकर बात करे तो, वरना वो जा सकता है। अरे दायरे में तो तुम अपनी बेटी को रखो, खान हो ना, संभाल ही नहीं जाती तुमसे अपनी बेटी, और मुझे कह रहे हो जाने के लिए। बराए मेहरबानी आप जा सकती हैं। मुझे कह रहे हैं जाने के लिए? जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है। ये बड़े खानदानी लोग और हम बिना खानदान के छोटे लोग हो गए इनके सामने। हाँ, तुम कोई बहुत ही छोटी ज़हनियत की, छोटे खानदान की औरत हो। याद रखना, मेरी बेटी का रिश्ता कभी तुम्हारे यहाँ नहीं हो सकता, कम से कम मेरे जीते जी कभी नहीं। रखो अपनी बेटी अपने पास, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी शरीफ और खानदानी बेटी लेकर जाने का, जो मेरे बेटे के साथ चक्कर चला रही है। बड़ी आई खानदानी, बेइज्जती कराने के लिए मैं ही रह गई हूँ। बातें करवा लो, बड़ी आई बड़ी बेगम। ये कौन औरत थी, कैसी बातें करके गई है मेरे सामने? माँ बेगम, ये सब का तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा लड़का है, तुम्हें अंदाजा नहीं हो कि किस कैलिबर के लोग हैं ये। तुम्हारे कहने पर मैंने माँ को राजी किया था, लेकिन इससे पहले कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट अनस को एक चांस और देना चाहिए, उससे एटलीस्ट एक बार मिल तो लें। जिसकी माँ को बात करने की तमीज नहीं, यकीनन उसका बेटा भी बदतहजीब ही होगा। इस बारे में मजीद कोई बात नहीं होगी, ये नहीं हो सकता। मरियम की शादी नौरेज से ही होनी चाहिए, ये लोग मुझे भी नहीं अच्छे लगे। मेरे तुम मरियम को जहनी तौर पर तैयार करो कि वो नौरेज से शादी करे। इसी में हमारी और हमारे खानदान की इज्जत है। मुर्तसिम मिलने को तैयार तो हो गया, पता भी चल गया कि तुम्हारी मोहब्बत में माँ बेगम को भी नाराज कर सकता है। लेकिन बात कुछ जमी नहीं मीरा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो फिर क्या हुआ? बात बनी है बिगड़ी? बिगड़ गई। कैसा था? अब मुर्तसिम खान मरियम की शादी कभी भी अनस से नहीं होने देगा। किसी हाल में मुर्तसिम खान ही करेगा शादी। यस। सब आयाशिका। थैंक यू। मरियम, सब सुन लिया है मैंने, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है मीरा। मरियम मेरी जान। तुमने मुझसे झूठ बोला है मरियम, ड्रामे नहीं करो मेरे आगे। अनस, अनस मेरी बात सुने, मैं नहीं जानती थी कि बात ऐसा रुख लेगी। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हारी फैमिली कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी। मरियम क्या तुम अपनी फैमिली को नहीं जानती? तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ बेगम, जिस तरह के वो लोग हैं, तुम्हें लगता है उन्होंने कभी हाँ करनी थी इस रिश्ते के लिए? क्या हुआ, बेइज्जत कर दिया तुम लोगों ने मेरी माँ को? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आपकी अम्मी ने माँ बेगम से बहुत बहस की और मेरे बारे में भी बुरा भला कहा। मेरी माँ ने तुम्हारी माँ बेगम को बुरा भला कहा? कितनी बुरी औरत है ना मेरी माँ, है ना? और दर वो तुम्हारी माँ बेगम हमारा हस्ब नस्ब खोल के बैठ गई है, मेरी माँ के किरदार पे उंगलियां उठा रही है, वो तुम्हें नजर नहीं आया? लेकिन अनस, आप मुझे बताइए कि इन सब में मेरा क्या कसूर है? मैं तो इज्जत से रिश्ता जोड़ना चाहती थी। मरियम, अब ना किसी भी सूरत में हमारी शादी नहीं हो सकती। आप ऐसा मत कहें, आपको पता है मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, तो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो तो ऐसा भागना होगा। हमारा शादी करना, एक होना, अब सिर्फ इसी तरह मुमकिन है। अगर तुम्हें मंजूर है तो सही है, वरना फिर मुझे भूल जाओ, उस नौरेज से शादी कर। मैं उसे शादी नहीं करूंगी। अच्छी तरह सोच लेना, जिस दिन कहोगी आकर ले जाऊंगा तुम्हें। मुर्तसिम खान, तेरी इज्जत का तो जनाजा निकाल के ही रहूंगा मैं। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा।